चक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सम प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। सन 2010 शिवाजी चेक पोस्ट, यह भारत देश है। यह देश चारों तरफ हरियाली और खुशियों से भरा हुआ है। लोग अपने अपने घरों में चैन की सांसें ले रहे हैं, चाहे वो बाहर हो या घर के अंदर। जानते हैं ये चैन की सांस और ये जिंदगी किसकी दी हुई है? इस चैन की सांस और जिंदगी सुख दुख हमारे उन शहीद वीर जवानों की दी हुई है, जो देश की आज़ादी और सुख शांति के लिए मर मिटे और इस तिरंगे के लिए शहीद हो गए थे। मर मिटेंगे हम अगर भारत का यह आदेश है।
जिंदगी प्यारी है लेकिन सबसे प्यारा देश है। जय हिंद। आज भी हम अगर चैन की सांस ले रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे उन वीर जवानों की वजह से। ये वीर जवान दिन रात आंधी तूफान बरसात चाहे जैसा भी मौसम हो, हमारे वीर जवान हमेशा हमारी रक्षा के लिए सीमा पे खड़े रहते हैं। आज उन्हीं जवानों की वजह से हम दिवाली, ईद, होली, रक्षाबंधन जैसे त्यौहार मना पाते हैं और रोज रात को चैन की नींद सो पाते हैं, क्योंकि हमारे देश के सिपाही हमारी रक्षा के लिए हमेशा जागते रहते हैं। मुझे गर्व है भारत माँ के उन लाल पे, मुझे गर्व है अपने भारत देश पे, मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ। यहाँ आरती है, अजान है, हिंदू है, मुस्लिम है, गर्व है मुझे देश पर क्योंकि यह मेरा हिंदुस्तान है। भारत पर अब तक 2 आतंकी हमले हो चुके थे और तीसरे हमले होने की संभावना दिखाई दे रही थी। वहीं भारत के सभी जवान अपनी चेक पोस्ट पर अपने हथियार लिए अपनी अपनी पोस्ट पर तैनात थे कि कहीं कोई भी आतंकवादी सीमा के उस पार न आ जाए। तभी कहीं से खबर आती है कि कुछ आतंकी सीमा के पार आ चुके हैं और किसी गाँव में ठहरे हुए हैं। उनका प्लान चेक पोस्ट पर हमला करने का है। यह सुनते ही सभी जवान अपनी अपनी पोजीशन पे चले जाते हैं और सिक्योरिटी बॉर्डर पे भी बहुत ज़्यादा टाइट कर दी जाती है।
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله خواجہ تیرے کرم سے زمانے میں بات ہے خواجہ تیرے کرم سے زمانے میں بات ہے یا غریب زمانے میں بات ہے بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے
बंदर बना दिया तेरे कर्म की ख्वाजा मैं और क्या मिसाल दूं, किस्मत का तूने मुझको सिकंदर बना दिया, करम 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 तेरा 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 करम करम जनाब, सब खैरियत तो है जी सरकार, सब खैरियत तो है।
लेकिन हिंदुस्तानी फौजियों ने हमारे चार भाइयों को अपने गिरफ्त में ले लिया है। गिरफ्त में ले लिया है? जी सरकार। क्या होना चाहिए जनाब? अगर आप आदेश करें तो हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर के हम लोग आतंक मचा करके हिंदुस्तानियों को मजबूर कर देंगे, जिससे वो हमें हमारे साथियों को छोड़ने पर विवश हो जाएं। हमको आपसे यही उम्मीद थी जनाब। कहिए सरकार। सीमा के पार जा करके हिंदुस्तान के चारों ओर कोने कोने आतंक फैला दो और अपने चारों भाइयों को अपने साथ लेकर आओ। दोस्तों, आज हमें मौका मिला है हिंदुस्तानियों की उनकी औकात दिखाने का। चलो और हिंदुस्तान के बॉर्डर उस पार चलते हैं, चार के बदले आठ को लाते हैं। तकबीर अल्लाह अकबर। नारे तकबीर अल्लाह अकबर। चलो दोस्तों, चलो ठीक है, आज हमें भी मौका मिला है। अरे भाई यादव जी, आपकी चिट्ठी आई है। अरे ला दे भाई, तू क्यों पढ़ रहा मेरी चिट्ठी भाई? ला दे, ला 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 ला। अच्छा, तेरी भाभी की चिट्ठी है? भाभी की चिट्ठी है? तू क्या कर रहा है यहाँ पे? जा यार, तू अपना काम कर। तेरी भाभी की चिट्ठी है? अरे भाभी चिट्ठी थोड़ा मुझे दिखा दे भाई। होने वाली भाभी की चिट्ठी है? अरे भाई क्या हो रहा है? जय हिंद सर। जय हिंद। हो रहा है? यादव जी के घर से चिट्ठी आई है भाभी जी की। चिट्ठी आई है? जी सर। ऐसी चिट्ठी है यादव? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। यादव जी की शादी पड़ी है। यादव जी तब तो जश्न होना चाहिए। यस सर। क्यों नहीं सर? संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। दिलवाली ने किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के कचरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। समय से आते हैं हमें तड़पाते हैं, कभी भी आती है पूछे जाती है।
कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। चटकते झूलों में, दहकते फूलों में, चटकती कलियों ने, और पूछा है गांव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन गांव सूना सूना है। घर कब आओगे, के घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, के तुम बिन ये घर सोना सोना है।
कर चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बहुत खूब सद्दाम, मैं तुम्हारे काम से खुश हूँ, तुम्हारा इनाम रखा हुआ है। कैसे क्या हुआ, तुम लोगों ने कैसे हमला किया? सरकार, हमने हिंदुस्तानी सरहद के अंदर घुसकर इनके पूरे कैंप को तबाह कर दिया, जिसमें हमारे कुछ जवान साथी भी अपनी जान गंवा दिए, लेकिन हमने इसको कैदी बना के यहाँ पे लाया। ठीक, बहुत अच्छा, अच्छा किया तुम लोगों ने, क्योंकि ये मेरे चार साथियों को स्वयं मदद करेगा। बिल्कुल सर, इसको अंदर लेकर कटघरे बंद करो जी और इसे कबूल कराओ। ओके सर। माता की नहीं भाईजान, ये हमारा हक नहीं है, इसकी मौत तो सरकार के हाथ में लिखी हुई है। भाईजान, अभी तो इससे बहुत राजवाने हैं जो हमारे चार साथियों को गिरफ्त करके सब रखे हैं। पता कमीने, हमारे चार साथी को तुम्हारी आर्मी ने कहां छुपा के रखा है? तुम जैसे गिदड़ों को क्या मालूम, सीधा कहता है हम हिंदुस्तानी सर कटा सकते हैं, लेकिन अपने जमीन के लिए गद्दारी नहीं कर सकते। लगता तुम्हें पता नहीं कि तू किसके गिरफ्त में है। अभी सरकार के हाथ में जाएगा तो तुम्हें सारी खत्म भाई। मैं तो कहता हूँ सरकार से पूछो, इसका संग्रहण नहीं करें। नहीं है भाई जाना, अभी इसे कुछ नहीं करना है, अभी कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हमें अभी अपने चार साथियों को छुड़वाना है। जब तक वो हमारे साथियों का भेद नहीं बताएगा, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। इसकी मौत तो सरकार के हाथ लिखी हुई है। ठीक है सर, भाई तो आप सरकार से पूछिए क्या करना है इसका। ठीक है, मैं सरकार से बात करता हूँ। तुम्हारा की सद्दाम भाई, तुम्हें सरकार के आदेश की भी थोड़ी जरूरत है। चलिए सद्दाम भाई सरकार के पास। ठीक है, चलते हैं। पर सरकार, ये सद्दाम उसने कुछ कबूल किया? नहीं सरकार, बहुत हम लोगों ने कोशिश किया, बहुत उसे मारा, बहुत पूछने की कोशिश किया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, उसे बाहर लाया जाए। ठीक है सद्दाम भाई, हाँ उसे बाहर लाते हैं। क्या रे कमीने, तुझे अपनी जान नहीं प्यारी है? जब तुम मेरे चार साथियों का पता बता दे तो तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी हो तो पाकिस्तान छोड़कर भाग जाओ। मुझे पता नहीं मैं किसके हवाले हूं। अगर जान प्यारी हो तो भाग जाओ, वरना हमारे साथी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं।
यारी शारा, तू मेरे चार साथियों का पता बता दे, मैं तुझे ऐसी मौत दूंगा देखने वालों की रूह कांप जाएगी। चार के चक्कर में मत पड़ो, हजारों की लाशें गिरेंगी यहाँ पे, पूरे पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। सरकार, मैं क्या कहता हूँ कि इसकी मौत किस्तों में दी जाए ताकि हिंदुस्तानियों की रूह कांप जाए देखकर। ऐसा ही होगा, इसकी मौत तो सोचना पड़ेगा, ऐसी मौत इसे दीजिए कि जो लोग इसकी मौत देखे इसकी रूह तक कांप जाए। अब इसे मुल्क आदम भेजी छोड़ेगा। माता की जय, या अल्लाह तुझे माफ करना। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। ओ हरियाली बनो, ले जाने तुझको भुइया, आने वाले हैं सैया, थामेंगे आंखें भैया, गूंजेगी शहनाई अंगनाई अंगनाई। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशी। हिंदुस्तानियों ने जो हमारे चार साथियों को पकड़ के रखा था, हाँ,
अभी सूचना मिला है कि उनको लोग मौत के घाट उतार दिए। सद्दाम, हाँ कहिए सरकार। जितने भी हमारे पास आदमी हैं, और उन सबको इकट्ठा करो और हम स्वयं तुम्हारे साथ चलते हैं सीमा पर। ठीक सरकार। नारे तब्दील अल्लाहु अकबर, नारे तब्दील अल्लाहु अकबर, नारे तब्दील अल्लाहु अकबर। ठीक आएगा, उनकी औकात का तकाजा क्या है? सरकार कहो। हम लोग सीमा के करीब पहुंच चुके हैं, आगे हिंदुस्तानी फौज देख रहे हैं, वहां पर घूम रहे हैं, क्या किया जाए? इस समय हमला किया जाए? नहीं, अभी नहीं, जब तक मैं नहीं कहूं तब तक कोई हमला नहीं होना चाहिए। सभी लोग अपने अपने पोजीशन पे हो जाओ। साथियों, लगता है आतंकी हमला होने वाला है, इसलिए सावधान हो जाओ, अपनी अपनी पोजीशन पे हो जाओ। मेरा पैर पड़ गया है। रुक जा, जब तक मैंने कहूँ तब हटना मत। सब लोग दूर जा। रुक जाओ।
माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। आ मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू, तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों।